हेलो दोस्तों एवं मेरे सभी मित्र किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग सिमुलेटर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लहसुन का भाव कैसा रहेगा इस साल यानी कि 2022 में। दोस्तों, क्या रहेगी आयात निर्यात नीतियाँ, लहसुन का उत्पादन अन्य देशों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है इस साल और भारत में इसका प्रोटेक्शन कैसा है, तो क्या लहसुन के भाव आसमान छुएंगे या फिर लगेगी किसानों को निराशा हाथ। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी जानकारी के आधार पर यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, यानी कि कुछ जानकारियां जो मैंने जुटाई हैं लहसुन उत्पादन देशों के बारे में, लहसुन किन किन देशों में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, किन देशों में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, भारत में इसका प्रोडक्शन क्या है रहने वाला है इस साल और दूसरे देशों में क्या इसकी स्थिति रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, आयात निर्यात नीति में क्या योगदान रहेगा इस बार भारत का, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो भी किसान भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास आई घंटी के निशान को दबा लें, ऊपर आई बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों मैं हमेशा इस प्रकार से खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां आपके इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करता रहता हूं, तो आपको हमेशा इसी प्रकार की जानकारियां देखने को मिले। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान साथियों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस साल लहसुन के भाव में क्या देखने को मिलेगा, कितनी उठापटक देखने को मिल सकती है और क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं भारत से पहले किन किन देशों में जो है लहसुन उगाया जाता है, यानी कि भारत से ज़्यादा किस देश में उगाई जाती है। तो दोस्तों, भारत से ज़्यादा जो लहसुन उत्पादन है कि जो यहाँ का जो प्रोटेक्शन रहता है भारत से ज़्यादा, वह है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत और तीसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर आता है मिस्र और पाँचवें नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों, ये पाँच बड़े देश हैं, कंट्रियाँ हैं, जो कि लहसुन के उत्पादन में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन देशों में भी इस बार प्रोटेक्शन अच्छा है भारत की तरह? दोस्तों, स्थिति करें भारत की, पहले बात कर लेते हैं भारत की, तो क्या भारत में जो है इस बार स्थिति अच्छी है प्रोटेक्शन के बारे में, लहसुन के बारे में? तो दोस्तों, भारत में इस साल 2022 में लहसुन का प्रोटेक्शन 30% बढ़ा है। इस साल बिना किसी संदेह जो दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा 30% और ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन निकलने वाला है, यानी कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में, भारत में। तो दोस्तों, यहाँ तो यह स्पष्ट है कि इस बार जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलने वाला है भारत में, और यहाँ से अगर उत्पादन की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में 30% बड़ा है। लेकिन दोस्तों, क्या दूसरे कंट्रियों में भी इसी प्रकार से बढ़ा है या घटा है, तो क्या उलट फेर होंगे इस साल इन उत्पादन के आधार पर? दोस्तों, चाइना की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में जो है -40% उत्पादन घटा है। दोस्तों, 40% का उत्पादन घटना चाइना के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात है। वहीं बात की जाए दक्षिण कोरिया की, तो दोस्तों 20% माइनस में वहाँ भी लहसुन का उत्पादन यानी कि प्रोटेक्शन घटा है। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया और चाइना, इन दोनों में अगर प्रोटेक्शन घटा है, वहीं बात की जाए बांग्लादेश की, तो एक तो सामान्य ही रही, मतलब पिछले साल की तुलना में ही लगभग उसका प्रोटेक्शन है। दूसरी कंट्री मिस्र की अगर बात करें दोस्तों, तो मिस्र में भी वही कंडीशन है जो वहाँ होता है, उत्पादन यानी कि सेम है, थोड़ा बहुत ही कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चाइना में 40 माइनस प्रोटेक्शन होना और दक्षिण कोरिया में 10-20 माइनस होना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है इस साल यानी कि 2022 में। तो ये एक पॉइंट
यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और इसके इसके साथ ही हमें जो है भारत को जो है यहाँ से फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो किसान मित्रों, जब चाइना का अगर जो लहसुन है यानी कि चीन का जो लहसुन है अगर वह अच्छा प्रोटेक्शन देता है, अच्छी क्वालिटी का निकलता है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारे भारत का जो लहसुन है वो कहीं नहीं टिकता चीन के मुकाबले। जो चीन के का लहसुन रहता है वो बेहतरीन क्वालिटी का रहता है। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि वहाँ का जो आयात यानी कि जो निर्यात की जाती है चीन से जो लहसुन, वो निःशुल्क किया जाता है। तो वहाँ जो दूसरे जो कंट्रियाँ रहती है वो चीन से ही ज़्यादा माल लेना पसंद करती है, चाइना से माल ज़्यादा पसंद लेना करती है भारत की अपेक्षा। तो हमारा जो किसान भाइयों को यहाँ के जो भारत के जो लहसुन के जो उत्पादक किसान हैं उनको दाम नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों चाइना का अगर जो प्रोटेक्शन इस बार घटा है 40%, तो वहाँ से जो है निर्यात की संभावना बहुत ही कम निकलेगी, क्योंकि निर्यात इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना वहाँ से होता है। तो इस वजह से जो है इस बार जो है कुछ आयातक जो देश रहेंगे वो चाइना की अपेक्षा भारत पर ज़्यादा, और यहाँ प्रोटेक्शन ज़्यादा निकलने वाला है इस बार 30% का जो भारत में जो एक रिपोर्ट ने बताया कि 30% यहाँ लहसुन का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। तो कहीं ना कहीं भारत से नए देश जुड़ने वाले हैं। वैसे तो भारत का अगर निर्यात आयात निर्यात की अगर बात करें तो किन किन देशों को जो निर्यात भारत करता है वो हमेशा सिंगापुर, और हमारे आयात निर्यात की अगर बात की जाए तो मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य खाड़ी के देशों को जो है लहसुन बड़े पैमाने पर भारत जो है निर्यात करता है, यानी कि हमारा देश निर्यात करता है। लेकिन दोस्तों अगर और भी जो देश हमारे देश से जुड़ते हैं, अगर चाइना से प्रोटेक्शन कम निकलता है और वहाँ से अगर डिमांड नहीं मिल पाती है, अन्य देशों को माल नहीं मिल पाएगा, तो भारत से जुड़ेंगे तो भारत से ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ जो है रेट बढ़ने की संभावना निकलेगी। तो दोस्तों अगर प्रोटेक्शन और यह जानकारी अगर पूरी सही निकलती है तो इस बार भारत को ही लहसुन के भाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि सीधा जो है किसान भाइयों को ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात निकल कर ये भी सामने आ रही है कि ये जो आयात निर्यात की जो नीतियां हैं ये कब तक लागू की जाती हैं ये सरकार तय करती हैं, यानी कि ये सरकार का निर्णय रहता है कि वो कब तक आयात निर्यात चालू रखे। तो इस उद्देश्य की अगर बात की जाए तो फरवरी मार्च यानी कि 2 महीने में जो है शुरुआत में तो जो है निर्यात इसका चालू रहने वाला है। तो निर्यात की नीति के अनुसार ही आप जो है शुरुआती अवस्था में जो अपनी लहसुन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों बाद में कई बार होता है कि आयात निर्यात नीतियां बंद हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है हमारा माल जो है बाहर नहीं जा पाता है, और जो हमारी लहसुन है या प्याज है कोई भी जो हमारा फसल जो रहती है ये देश के अंदर ही बिकती हैं, तो उससे जो है मार्केट में जो है माल बढ़ जाता है तो इसकी जो मांग नहीं हो पाती है। तो इसके कारण हमें जो है शुरुआत में ही जो हमारी जो फसल निकलेगी फरवरी मार्च में अप्रैल में जब भी हमारी जो लहसुन की फसल हम निकालने वाले हैं उसी समय आयात निर्यात नीति के साथ ही हमारी फसल को जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा या भाव मिलेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने किसान साथियों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक मिल सके। तो मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।